फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 का न्यू मॉडल 2024 वाला वेरिएंट। और ये है फ्रेंड्स इसका यहाँ पे स्टील्स ब्लैक एडिशन, जिसका कि आप लोग सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं। फाइनली स्टॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट है और आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं इसके फाइनेंस ऑफर के बारे में, क्या कुछ आपको डाउन पेमेंट करना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स आपके मिस ना हो जाए। तो अब यहाँ पे हमारे साथ है रंजय भैया, जो कि यहाँ पे शोरूम मैनेजर है और ये यहाँ पे डिटेल में ऑफर्स वगैरह अभी जो भी चल रहा है बाइक के ऊपर वो एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं धनंजय, इस शोरूम का सेल्स मैनेजर हूँ और मैं आपको गाड़ी का भी फाइनेंस के बारे में बताऊंगा प्रोसेस। ठीक है, तो अभी अगर हम करेंटली बात करते हैं इस मॉडल के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो अभी बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस है? 2,56,000 रुपये HYP लेके, ऐसे आपको विथ एंड इंश्योरेंस, मतलब उसको बोलते हैं जीरो डेप्थ इंश्योरेंस, साथ में को मिलेगा, साथ में मिल जाएगा। और अगर हम बिना जीरो डेप्थ इंश्योरेंस के नॉर्मल इंश्योरेंस के साथ लेते हैं तो 2,53,000 मतलब 3,000 रुपये उसके लगभग कम हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा बेस्ट कौन सा रहता है, मतलब जीरो डेप्थ वो ज़्यादा अच्छा रहता है? नॉर्मल को काम का नहीं है, वो आपको पार्सली क्लेम मिलता है, फाइबर में 50%, लोहा में 70-80%, बर्डन ज़्यादा पड़ता है, मतलब उसमें जो कस्टमर है उनका बर्डन बाद में, मतलब इंश्योरेंस क्लेम लेते टाइम बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो वो 3,000 रुपये मतलब जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा है, मतलब जस्टिफाइड है? 3,000 नहीं, उसमें जैसे 2,53,600 कुछ है, मतलब आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो अगर अभी हम करेंटली बात करते हैं मतलब डाउन पेमेंट की, तो मिनिमम में कितने का डाउन पेमेंट करना सही रहेगा इस बाइक के लिए? यदि आप सिविल स्कोर आपका अच्छा रहता है तो आप 50-40,000 में भी करवा सकते हैं। तो अगर हम 1,00,000 रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं तो हमारा EMI क्या बन जाएगा? जब 1,00,000 डाउन पेमेंट करते हैं तो आप टेनर पर डिपेंड करता है कि कितना रखते हैं, उस हिसाब से इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता है। तो मतलब मिनिमम जो टेन्योर है वो कितने का रहता है? होता तो ऐसे 1 साल का है, बट उसमें क्या होता है, उसमें टर्म एंड कंडीशन कुछ ज़्यादा होता है, पेपर वर्क ज़्यादा और इनकम प्रूफ ज़्यादा लगता है, इसलिए कोई करवाता नहीं है। EMI भी ज़्यादा आता है, ऐसे आप 18 महीना, 24 महीना, 30 महीना, 36 महीना, 48 महीना करवा सकते हैं आप। मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? 60 महीना, मतलब 5 साल तक। तो अगर हम EMI की बात करते हैं तो थोड़ा आप हमें 2-3 स्कीम्स बता दें, मतलब 2-3 ऑप्शंस बता दें। देखिए, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है मार्केट में, अभी जो रॉयल एनफील्ड का है वो आपका 8.5 है, ठीक है। यदि आप इनकम प्रूफ देंगे तो जाके कुछ कम होता है, 7.99 हो जाएगा, बाकी लगभग सेम होता है। मैं NIP बताता हूँ, जो नॉन इनकम प्रूफ बता मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। यदि आप 24 महीना करवाते हैं 1,00,000 डाउन पेमेंट में, तो आपको जो किस्त आएगा 7,876 रुपये आएगा, ठीक है। यदि आप 30 महीना करवाते हैं तो 6,518 रुपये आएगा, यदि आप 36 महीना करवाते हैं 5,614 रुपये आएगा, यदि आप 42 महीना करवाएंगे तो आपको 4,966 रुपये आएगा, और 48 महीना में आपको 4,481 रुपये, और 60 महीना में 3,802 रुपये आएगा। मतलब अगर 24 और 36 महीना में फ़र्क देखिएगा तो आपको लगभग 3,000 रुपये फ़र्क देखने को मिलेगा EMI में मंथली, हाँ 24 महीना से लेकर 5 महीना तक, ये 5 साल तक के लिए। तो ये आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख लें, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगी कौन से मंथ में कितना EMI है, पूरा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अगर हम इनमें से यहाँ पे बेस्ट की बात करते हैं तो आपके हिसाब से सही कौन सा रहेगा? सबसे बेस्ट है आपका 3 साल, 3 साल का। तो मतलब 3 साल वाले में हमें बेनिफिट क्या रहता है? 3 साल में बेनिफिट यह रहता है कि एक देखिए एक लमसम इतना अमाउंट आया था कि जो आप इजीली EMI पे कर सकते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट पेड नहीं करना पड़ेगा, और एक उसके बाद आप अंदर लोन भी तोड़ सकते हैं। जैसे 2 साल के लेंगे तो EMI ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको और भी तो खर्चा होगा, तो EMI 8,000-9,000 पे आ जाएगा, और यदि 3 साल लेते हैं तो 5,650 रुपये लगभग आता है। तो आपको इजीली आपको पॉकेट फ्रेंडली EMI होता है, जो आपको इजीली आप पे कर सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए मतलब 3 साल का बेस्ट है? हाँ, 3 साल बेस्ट है। तो फ्रेंड्स ये था यहाँ पे एक फुल फाइनेंस डिटेल्स ऑल न्यू क्लासिक 350 के यहाँ पे न्यू जनरेशन वाले मॉडल का 2024 E20 अपडेटेड वाला वेरिएंट का ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं श्री सनमति इंटरप्राइजेस में। तो अगर आप फ्रेंड्स ग्रिड एरिया से बिलोंग करते हैं तो शोरूम में विजिट कर सकते हैं, आपको धनंजय भाई यहाँ पे मिल जाएंगे एज अ शोरूम मैनेजर। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।